ये देखिए, यहाँ पे मैं आज मेथी के पराठे बना रही थी तो सोचा आपसे शेयर कर लूँ। तो ये देखो, ये मैंने मेथी को उसके पत्तों को लेके धो के कट करके रख लिया था, और एक मिक्सर जार के में ग्रीन चिल्ली और थोड़ा सा लहसुन डाल के और थोड़ा सा क्या बोलते हैं जीरा डाला और उसका पेस्ट बनाया मैंने अच्छे से। और मेथी मैंने वॉश करके रख लिया था पहले ही। तो ये देखिए, थोड़ा एक चम्मच जीरा डालेंगे, ग्रीन चिल्ली, लहसुन डाल के और इसका हम ग्राइंड करके पेस्ट बना लेंगे। तो मेथी के पराठे अच्छे लगते हैं, रोज़ रोज़ सब्जी खाने से बोर हो गए तो। फिर उसके बाद देखो, ये मैंने थोड़ा आटा लिया, गेहूं का आटा छान के थोड़ा सा बेसन डाला उसके अंदर, और मैं कढ़ाई में ही आटा लगाती हूँ क्योंकि ईजी जाता है मुझे, वो आटा लगने का जो रहता है वो पूरा भर जाता है हाथ वो, इसलिए मैं कढ़ाई में दोनों के लिए बस होता है इसलिए तो उसमें ही लगा लेती हूँ। तो ये देखिए, मैंने बेसन आटा लिया, उसमें नमक डाला, हल्दी पाउडर डाला और उसके बाद वो ग्रीन चिली उसका पेस्ट डाल दिया था पूरा, थोड़ा पानी डाल के इसमें। तो आप चाहे तो रेड चिली भी डाल सकते हैं, पर ग्रीन चिली का पेस्ट डाले तो अच्छा लगता है ज़्यादा। तो मैंने ये डाला उसके अंदर, और उसके बाद इसमें आप चाहे तो अजवाइन भी डाल सकते हैं, पर मैंने डालती क्योंकि जीरा डाला है मैंने। तो ये देखिए, मैंने पूरा पेस्ट डाल दिया और उसके बाद इसमें मिला लेंगे इसको अच्छे से। और नमक आप चख के देख लीजिए टेस्ट के अनुसार, नहीं तो और डालिए। और फिर ये देखिए, मेथी वॉश करके जो रखी थी ना, मैंने कट भी की थी मैंने इसको बारीक बारीक थोड़ा। तो ये देखिए, इसको फिर डाल के अच्छे अच्छे हाथों से अपने बैटर को ये करेंगे, लगाएंगे आटा लगाएंगे। तो ज़्यादा पानी ना डाले, पहले थोड़ा थोड़ा पानी डालिए क्योंकि मेथी में भी पानी ही रहता है ना, तो वो हो जाता है, अच्छा मिक्स हो जाता है। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालिए, नीड लगी तो ही पानी डालिए, नहीं तो फिर ज़्यादा डाले तो फिर गीला हो जाएगा। तो ये देखिए, यहाँ पे फिर मैंने थोड़ा थोड़ा पानी डाल के और इसका डो बना लिया था अच्छे से। तो मैंने भी ये फर्स्ट टाइम बनाया कि सेकंड टाइम, तो ये देखिए इसको डो बना लेंगे अच्छा सा। ये देखिए, बैटर लग गया था, इसमें थोड़ा सा तेल ऊपर से डाल के इसको अच्छे से थोड़ी अच्छे से ऐसा करके मल के रख देंगे, जिससे कि सॉफ्ट होंगे अपने पराठे भी थोड़े। तो ये देखिए, तेल डालने से हाथों को भी नहीं चिपकता, चिपक जाता है कभी कभी तो। और इसको अब हम 10 मिनट या 15 मिनट इसको ढक के रख देंगे ये। तो चलिए मिलते हैं आपसे। देखिए, 10 मिनट के बाद मैंने ऐसा एक गोल हाथ में थोड़ा सा आटा ले के और इसको आटा लगा के और धीरे धीरे बेलेंगे। तो पहला वाला मेरे गोल नहीं आया पराठा, पर उसके बाद अच्छे आ गए थे क्योंकि फर्स्ट पराठा या रोटी में उससे अच्छी होती नहीं है, पता नहीं क्यों की। तो ये देखिए, इसको अपने को हल्के हल्के हाथों से प्रेस करके गोल गोल बनाना है। तो चलिए आपको दिखाती हूँ मैं, ऐसा थोड़े थोड़े हाथों से, जिसको आदत है रोज़ रोज़ बनाने की उसको आ जाते हैं। मैं ज़्यादा बनाती नहीं तो मुझे आदत भी नहीं है, बाद में गोल आ गया था। तो अब देखिए, ऐसे हाथों से बनाइए। ये देखिए बन गया था, और एक साइड सिकने के बाद मैंने थोड़ा ऑयल लगाया उसको, और ये देखिए सिकना चालू हो गया था ये। तो ये देखिए, और दूसरी साइड से भी हम इसको तेल लगा लेंगे और अच्छा कड़क पकाएंगे। देखो ये पक गया था अच्छा, तो ये देखिए, और टेस्टी बना था बहुत, तो आप भी ज़रूर ट्राई करिए। तो मैंने मेरे हस्बैंड को सर्व कर लिया था टोमेटो केचप और दही के साथ, क्योंकि बहुत का लंच था ये, तो ज़रूर ट्राई करिए। तो चलिए।